जाने, लेकिन एक इम्पोर्टेंट खबर एक्सक्लूसिव अब आपको बताने जा रहे हैं। एचसीसी के लिए गले की फांस बन चुके लवासा कॉरपोरेशन का रेजोल्यूशन निकल सकता है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जल्द ही बैंकर्स एक रेजोल्यूशन प्लान को मंजूर कर सकते हैं। किसका रेजोल्यूशन प्लान है और इसमें क्या क्या बातें हैं, ये पूरा ब्यौरा लेकर हाजिर है हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। दरअसल इसके एचसीसी के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ था लवासा कॉरपोरेशन, और हम देख रहे थे कि 2018 के बाद से ही इसको रिसॉल्व करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा था। बहुत सारी जो बोरियां लगाने वाली कंपनियां आ रही थी वो बैकआउट कर जा रही थी, लेकिन हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके हिसाब से डार्विन ग्रुप ने लवासा कॉरपोरेशन के लिए अपना रेजोल्यूशन प्लान सौंपा है। और रेजोल्यूशन प्लान के जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 8,836 करोड़ रुपए का जो पूरा ड्यू बन रहा था उसके मुकाबले 1,814 करोड़ रुपए पेमेंट करने का जो है वो उन्होंने प्रस्ताव दिया है। इसमें से 1,466 करोड़ रुपए जो है वो रेजोल्यूशन की रकम होगी, और इस 1,466 करोड़ रुपए की रकम में से 929 करोड़ रुपए जो है वो लेंडर्स को जाएंगे, और बाकी 440 करोड़ रुपए जो है घर खरीदारों के क्लेम का निपटारा करने में जाएगा। 679 करोड़ रुपए की रकम जो है वो 6% के रूपी टर्म लोन में कन्वर्ट होगी, और 250 करोड़ रुपए सिक्योर्ड एनसीडी रिडेम्पशन के लिए तय किया गया है। अब पेमेंट शेड्यूल की अगर बात करें तो 90 दिनों में अपफ्रंट 25 करोड़ रुपए के पेमेंट की बात कही गई है, 15 महीने के अंत में 70 करोड़ रुपए के करीब पेमेंट का वादा है, इसके अलावा 2 साल के अंत में 125 करोड़, 3 साल के अंत में 250 करोड़, 4 साल के अंत में 304 करोड़, और रेरा वाले होम बायर्स के जो क्लेम आएंगे उसके लिए 4 करोड़, होम बायर्स का क्लेम खत्म करने के लिए 438 करोड़, और सिक्योर्ड एनसीडी रिडेम्पशन के लिए 250 करोड़ रुपए की रकम का प्रस्ताव जो है रेजोल्यूशन प्लान में दिया गया है, जो हमें जानकारी मिल पा रही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो इनकम्प्लीट है उसके लिए करीब 250 करोड़ रुपए जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है डार्विन ग्रुप वो खर्च करेगा, वर्किंग कैपिटल के तौर पर करीब 22.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और रिपेयरिंग जो मौजूदा प्रोजेक्ट्स हैं जो हैं वहां पर रिपेयरिंग के लिए करीब 70 करोड़ रुपए की रकम जो है वो खर्च की जाएगी। तो ब्रॉडली अगर देखें तो एक ऐसा एप्लीकेशन आया है जो इस मामले को रिसॉल्व करना चाहता है, जिसका इंटरेस्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही है कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो 2018 में एक्सपायर हो गया था, उसके बाद रिन्यूअल की एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन ये एक बड़ी अनसर्टेनिटी है, इस वजह से जो बड़े बड़े खरीदार पहले नाम आ रहे थे वो सारे के सारे वापस चले गए थे, लेकिन इस बार डार्विन ग्रुप नाम की एक कंपनी ने ये रेजोल्यूशन प्लान दिया है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही बैंकर्स इस पर वोटिंग करके इसको मंजूर करके एनसीएलटी के पास भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो एचसीसी के लवासा कॉरपोरेशन के लिए रेजोल्यूशन प्लान को बैंक जल्द ही मंजूरी दे सकता है। इससे जुड़ी तमाम डिटेल्स ब्रजेश जी ने हमें बताई। ब्रजेश जी शुक्रिया, ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने